हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द इनविजिबल गेस्ट मूवी की। यह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। ईयर 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 67% एंड ऑडियंस स्कोर 86% मिला है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द इनविजिबल गेस्ट मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक बूढ़ी औरत को दिखाया गया है जिसका नाम वर्जीनिया था। वह होटल में एड्रियन नाम के शख्स के पास आती है और उसे कहती है कि एड्रियन के लॉयर फिलिक्स ने उसे भेजा है। एड्रियन एक बिजनेसमैन था और वह काफी रईस था, पर हाल ही में उस पर लारा नाम की लड़की के मर्डर का आरोप था। लारा एड्रियन की गर्लफ्रेंड थी। अब यह एक संगीन आरोप था क्योंकि एड्रियन की सारी क्रेडिट दांव पर थी, पर एड्रियन सबको यही कह रहा था कि उसने लारा का मर्डर नहीं किया। अब वर्जीनिया एड्रियन से कहती है कि फिलिक्स अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और लारा के मर्डर का पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, तो एड्रियन शक के दायरे से बाहर था। पर अभी वर्जीनिया को अपने खास लोगों से पता चला है कि पुलिस के पास कोई ऐसा शख्स है जो जानता है कि एड्रियन ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है, और इसी सिलसिले में पुलिस एड्रियन को सिर्फ 3 घंटे बाद पकड़ कर ले जाएगी। वर्जीनिया कहते हैं कि फिलिक्स ने इसी सिलसिले में खास उसे यहाँ पर भेजा है जिससे उसे सच्चाई पता चल सके और इसी बयान पर वह एड्रियन को इस मर्डर केस से बचा सके। वर्जीनिया एड्रियन से कहती है कि उस दिन उसके और लारा के बीच क्या हुआ था, यह सब सच बताना होगा, तो ही वह उसकी मदद कर पाएगी। वर्जीनिया कहती है कि वो आज तक कोई केस नहीं हारी। अब वर्जीनिया एड्रियन से उस दिन की बात जानना चाहती थी, तो एड्रियन कहता है कि वो और लारा एक होटल में थे। एड्रियन का लारा से अफेयर चल रहा था। एड्रियन ऑलरेडी शादीशुदा था और वह अपनी वाइफ सोनिया से प्यार करता था। एड्रियन कहता है कि किसी को पता चल गया था कि उसका अफेयर लारा के साथ चल रहा है, तो वो शख्स लारा को ब्लैकमेल करता था। पर इस बार उस शख्स ने फाइनल सेटलमेंट के लिए उन्हें शहर से दूर इस होटल पर बुलाया था। अब उस ब्लैकमेलर के कहने पर एड्रियन 1,00,000 यूरो भी अपने साथ लाया था, और उसी के कहने पर एड्रियन और लारा उस होटल में आए थे। अब एड्रियन के फोन पर ब्लैकमेलर का मैसेज आता है, जिसे देखकर एड्रियन समझ गया था कि उन्हें वहां पर फंसाने के लिए ही बुलाया गया है। तो वो और लारा वहां से निकलने की तैयारी करते है, पर तभी वहां पर कोई शख्स आकर एड्रियन का सिर दीवार पर पटकता है। तभी वहां एक मिरर टूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। एड्रियन होश में आकर देखता है तो बाहर पुलिस आ गई थी और दरवाजा खटखटा रही थी। एड्रियन को वहां पत्थर की स्टैचू मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। वही बाथरूम में लारा की डेड बॉडी थी जिसके सिर पर उसी पत्थर के स्टैचू से वार किया गया था। लारा की डेड बॉडी के पास 1,00,000 यूरो भी बिखरा पड़ा हुआ था। पुलिस अंदर आकर एड्रियन को पकड़ लेती है। यह बात वर्जीनिया को बताते हुए एड्रियन रो पड़ता है, यानी कि लारा की मौत से वह काफी दुखी था। अब वर्जीनिया एड्रियन से कहते हैं कि होटल के स्टाफ का कहना है कि वहां पर काफी ठंडी होती है, तो वो लोग खिड़कियां हमेशा लॉक रखते हैं। वही दरवाजा भी अंदर से लॉक था। पुलिस ने भी सारी इन्वेस्टिगेशन की थी, पर होटल के रूम में कोई दूसरा शख्स आ सके ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। वही उस रूम की चाबी भी एड्रियन के पास थी। तब एड्रियन कहता है कि वह एक रिच पर्सन है और इसी वजह से शायद कोई उसे फंसाना चाहता है। वो कहता है कि शायद वो शख्स पहले से ही उस रूम में था। यह सुनकर वर्जीनिया कहते हैं कि वक्त ज्यादा नहीं है, पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आकर तुम्हें ले जाएगी। वह एड्रियन से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, अच्छा यही रहेगा कि मुझे सच्चाई बता दो, वरना चाहकर भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मैं ट्रस्टेबल हूँ और इसी वजह से फिलिक्स ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। एड्रियन यह सुनकर कहता है कि पिछले 2 साल से लारा के साथ उसका अफेयर चल रहा था, वो दोनों मिलते थे। अब एक दिन वह दोनों कार में जा रहे थे, तब एड्रियन गिल्ट फील कर रहा था। वो लारा से कहता है कि वह अपनी वाइफ सोनिया को भी चाहता है और उसे झूठ बोलना नहीं चाहता, पर उस वक्त लारा एड्रियन को कहते है कि वह दोनों एक दूसरे को चाहते है और लारा को भी सोनिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस बात कर रहे थे तभी उनकी कार के सामने हिरन आ जाता है, और उस वक्त एड्रियन की कार सामने आ रही एक दूसरी कार से टकराती है। वो दोनों ठीक थे। लारा वह दूसरी कार के पास आकर देखती है तो कार चला रहा लड़का मारा गया था। वही उन्हें वहां किसी दूसरी कार के आने की आवाज सुनाई देती है, तो लारा उस मरे हुए लड़के को कार में छुपा देती है और बाहर एड्रियन के साथ खड़ी रहती है। वहां पर एक शख्स कार लेकर आ रहा था। वो देखता है कि वहां एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वह लारा से पूछता है कि क्या हुआ था। लारा कहते है कि सामने हिरन आने की वजह से उन दोनों की कार आपस में टकरा गई थी, उन दोनों को चोट नहीं लगी और बस इंश्योरेंस के बारे में वह दोनों बात कर रहे हैं। यह सुनकर वह आदमी अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है।
अब लारा एड्रियन से कहते हैं कि हमें यह लाश ठिकाने लगानी होगी। वो उस लड़के की डेड बॉडी पीछे डिक्की में रखते है और एड्रियन कार लेकर चला जाता है। आगे एक तालाब में वह कार डूबा देता है। वहीं दूसरी ओर लारा एड्रियन की कार में बैठी थी। वो कार एक्सीडेंट की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वहां थॉमस नाम का आदमी आता है। वो एक मैकेनिक था तो वह लारा की हेल्प करता है। थॉमस कहता है कि कार ठीक होने में 3 घंटे लगेंगे और इसके लिए सारे टूल्स उसके घर पर है। तो वह लारा की कार टो करके अपने घर लाता है। अब वहाँ थॉमस की वाइफ अलवीरा आती है। अब थॉमस लारा की कार ठीक करने में लगा था। वही अलवीरा लारा के पास बैठी थी। अलवीरा लारा को अपने बेटे डेनियल की फोटो दिखाती है। वो कहती है कि डेनियल अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। वो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। लारा देखती है कि डेनियल वही लड़का था जिसकी कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था और एड्रियन ने डेनियल की लाश को ठिकाने लगा दिया था। लारा काफी डर गई थी। वही अलवीरा डेनियल के दोस्त को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि डेनियल अब तक पार्टी में नहीं पहुंचा था। थॉमस ने वह गाड़ी ठीक कर दी थी। अब लारा समझ गई थी कि उसका यहाँ रुकना सेफ नहीं तो वह वहां से चली जाती है। अब लारा और एड्रियन मिलते हैं। लारा सारी हकीकत एड्रियन को बताती है। तब एड्रियन अपनी कार स्क्रैप में देता है जिससे उसकी और डिटेल पता न चल पाए और उसने अपनी कार चोरी होने की फरियाद पुलिस स्टेशन में की। वही दूसरी और कई दिन होने के बाद भी डेनियल वापस नहीं आया था तो पुलिस की टीम उसे ढूंढ रही थी। थॉमस और अलवीरा काफी वरित थे। अब यह सब देखकर एड्रियन को अफसोस हो रहा था तो वह लारा को मिलने बुलाता है। लारा ने अपने बाल छोटे करवा दिए थे जिससे कोई उसे पहचान ना सके। एड्रियन लारा से कहता है कि उस मासूम लड़के की जान हमारी वजह से गई और अब उसके मॉम डैड भी वरीड है तो हमें सारी सच्चाई पुलिस को बता देनी चाहिए। यह सुनकर लारा कहती है कि उसने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उसकी वाइफ सोनिया उससे अलग हो जाएगी। यह सुनकर एड्रियन डर गया था। आखिर वो लारा की बात मानकर रुक जाता है। वही उसकी कंपनी टेक मीडिया फेमस हो रही थी। एड्रियन भी अब सबका रोल मॉडल बन गया था क्योंकि वह एक गरीब फैमिली से था और अपनी मेहनत और लगन से आज वो एक सक्सेस अमीर बन गया था। एड्रियन पार्टी में था तभी वहाँ डेनियल के डैड थॉमस आते। उन्हें वहाँ देखकर एड्रियन चौंक गया। थॉमस कहते हैं कि उनका बेटा मिसिंग है और वह जानते हैं कि यह सब एड्रियन और लारा ने किया है। वो कहते हैं कि वहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। लारा कार नहीं चला रही थी क्योंकि वह सीट एडजस्ट कर रही थी। वही वह घर पर डेनियल का फोटो देखकर वहां से जल्दी निकल गई थी। थॉमस कहते हैं कि उन्होंने लारा की डिटेल निकाली और उसे फॉलो किया। वह चुपके से एड्रियन से मिलती थी। वो समझ गए थे कि उस दिन लारा के साथ कार में एड्रियन था और वही कार चला रहा था और एक्सीडेंट होने के बाद दोनों ने मिलकर डेनियल की लाश ठिकाने लगा दी थी। थॉमस एड्रियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें सच्चाई बता दी जाए पर तभी वहां सिक्योरिटी आकर थॉमस को ले जाती है। यह सुनकर वर्जीनिया कहते हैं कि अभी पूरा शक सिर्फ एड्रियन पर है क्योंकि उसे लारा की डेड बॉडी के पास पुलिस ने पकड़ा था। वही अभी तक डेनियल की डेड बॉडी का पता नहीं चला। थॉमस और उसकी वाइफ अलवीरा भी तुम दोनों पर शक कर रहे थे तो अगर थॉमस ने भी लारा को मारा हो और वही एड्रियन को फंसाना चाहता हो तो भी थॉमस के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बस एक ही इश्यू थी कि पुलिस कहेगी कि एड्रियन यह सब जानता था तो उसने सच क्यों नहीं बताया। तब एड्रियन को बस इतना ही कहना होगा कि डेनियल की मौत के बारे में उसे पता नहीं था, वो डर गया था और नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ सोनिया को सच पता चले, इसलिए उसने झूठ बोला था। वही एड्रियन की बातों पर वर्जीनिया को अब भी ट्रस्ट नहीं था क्योंकि कोई उसे ब्लैकमेल करना चाहता था तो उसने लारा की डेड बॉडी के पास सारे पैसे क्यों छोड़ दिए। वही अंदर से लॉक दरवाजा ओपन करके कोई कैसे अंदर पहुंचा। वर्जीनिया एड्रियन से कहती है कि अगर उसने यह कहानी पुलिस को बताई तो वह कभी नहीं बच पाएगा, एड्रियन इनडायरेक्टली फंस जाएगा। अब वर्जीनिया को एक कॉल आता है जिसमें उसका ट्रस्टेबल पर्सन कहता है कि एड्रियन के खिलाफ गवाही देने वाला शख्स एक ड्राइवर है जो कहता है कि उसने एक्सीडेंट के वक्त लारा और एड्रियन को वहां देखा था। अब एड्रियन फंस गया था क्योंकि उसने अपनी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट की थी पर एड्रियन और लारा को उसी कार के पास उस ड्राइवर ने देख लिया था। अब वर्जीनिया कहती है कि एड्रियन तुम्हें बचाने का एक ही ऑप्शन है। अब पुलिस को हम कहेंगे कि लारा ने ही तुम्हें ब्लैकमेल किया था और वह पैसे भी उसने मंगवाए थे, एक्सीडेंट भी उसी ने किया था और डेनियल की डेड बॉडी के साथ कार तालाब में भी उसी ने डुबाई थी। वर्जीनिया कहते है कि हम उस कार के पास पुलिस से पहले पहुंचकर उसमें लारा की कोई चीज डेड बॉडी के पास रखेंगे। वही सबको यही लगेगा कि लारा ने डेनियल को मारा है और डेनियल के डैड थॉमस को पता चल गया कि उनका बेटा लारा की वजह से मारा गया तो थॉमस ने ही लारा का पीछा करके होटल रूम में उसे मार दिया।
अब एड्रियन को सिर्फ वो कार वर्जीनिया को दिखानी होगी जिसमें डेनियल की डेड बॉडी थी, क्योंकि वो लास्ट तक पहले पहुंचकर डेड बॉडी के पास लारा की कोई चीज रख दे जिससे साबित हो सके कि लाश को तालाब में लारा ने ही डाला था। अब वर्जीनिया एड्रियन को कहते कि उस लड़के की डेड बॉडी कहां पर है, तो एड्रियन मैप में एक लोकेशन पर मार्क करता है और कहता है कि उसने उसी लोकेशन पर वह कार तालाब में डुबाई थी। अब वर्जीनिया होटल से बाहर सामने एक बिल्डिंग की ओर देखती है, वहां एक आदमी खड़ा था जो वर्जीनिया की ओर देख रहा था। अब एड्रियन को वर्जीनिया पर पूरा भरोसा हो गया था, तो वो कहता है कि दरअसल उस दिन एक्सीडेंट के बाद जब वो एड्रियन की बॉडी ठिकाने लगाने जा रहा था तब उसे कार की डिक्की से आवाज सुनाई देती है। एड्रियन देखता है कि डेनियल घायल हो गया था पर अब भी वह जिंदा था। वो एड्रियन से कह रहा था कि उसे बचा ले, पर एड्रियन इतना डर गया था कि उसने डेनियल की बात नहीं सुनी। एड्रियन को डर था कि अगर डेनियल को हॉस्पिटल ले जाने के बाद वह मारा गया तो एड्रियन फंस जाएगा, तो उसने कार को डेनियल के साथ तालाब में डुबा दिया। यानी कि एक्सीडेंट एक गलती थी पर यहाँ डेनियल को जानबूझकर मरने दिया था, यानी कि यह एक मर्डर था। वर्जीनिया देखते है कि मासूम डेनियल की मौत की कोई गिल्ट एड्रियन के चेहरे पर नहीं थी। एड्रियन वर्जीनिया से कहता है कि फिलिक्स ने ही तुझे यहाँ पर भेजा है और मुझे किसी भी तरह से इस मुसीबत से तुझे निकालना होगा। यह सुनकर वर्जीनिया कहते है कि वह जरूर उसकी मदद करेगी, पर अब भी कोई बात अगर एड्रियन छुपा रहा है तो वह उसे बतानी होगी, क्योंकि अब यहाँ पर डेनियल की डेड बॉडी पुलिस को मिली तो कोई भी एड्रियन को नहीं बचा सकता। तब एड्रियन कहता है कि वह सारी हकीकत वर्जीनिया को बताएगा, पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब एड्रियन कहता है कि उस दिन जब डेनियल की कार से उनका एक्सीडेंट हुआ तब लारा नहीं पर एड्रियन ही डेनियल की कार के पास गया था। उस वक्त लारा पुलिस को कॉल करना चाहती थी पर एड्रियन उसे रोक लेता है। जब वो ड्राइवर वहां आता है तो उससे बात भी एड्रियन ने की थी। एड्रियन ही लारा को कहता है कि अब हमें इस लड़के की लाश को ठिकाने लगाना होगा। यह सुनकर वर्जीनिया समझ गई थी कि पूरी कहानी का मास्टरमाइंड लारा नहीं पर एड्रियन ही था। वो अगर चाहता तो डेनियल आज जिंदा होता, पर उसने उस मासूम को मरने दिया। जिस तरीके से एड्रियन ने लारा को सेल्फिश और क्रूअल बताया था वह इस केस में एड्रियन के खिलाफ थी। वर्जीनिया एड्रियन से कहती है कि शायद डेनियल की मौत का लारा गिल्ट फील कर रही थी, इसी वजह से लारा ने सच्चाई डेनियल के मॉम डैड को बताई होगी, वह सबको सच्चाई बताना चाहती थी। लारा ने ही एड्रियन को कॉल करके उस होटल में बुलाया था और उसने ही कहा कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है और 1,00,000 यूरो मांग रहा है। लारा यह पैसे डेनियल के मॉम डैड को देना चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि खाली हाथ वह अपना गुनाह कबूल करके सिर्फ तसल्ली ही दे सकती थी। वह पैसे देकर उस बूढ़े कपल की हेल्प करना चाहती थी। एड्रियन जब पैसे लेकर उस होटल रूम में आया तब लारा ने ही दूसरे मोबाइल से एड्रियन को मैसेज किया। तब एड्रियन को लगा कि वह ब्लैकमेलर उन्हें फंसाना चाहता है, पर तब लारा उसे कहते है कि यह कमरा एड्रियन के नाम पर ही है, हमें डेनियल के मॉम डैड को मदद करनी चाहिए। वही लारा कहती है कि हमें डेनियल की डेड बॉडी उन्हें दिखाकर सरेंडर करना होगा। लारा की बातों से एड्रियन समझ गया था कि अब वो लारा को नहीं रोक पाएगा और वह भी पकड़ा जाएगा, उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस वक्त लारा वॉशरूम में थी। अब एड्रियन एक पत्थर की स्टैचू उठाता है और सीधा लारा के पास आकर उसके सिर पर वार करता है और उसे मार डालता है। यानी कि डेनियल और लारा दोनों के मर्डर एड्रियन ने ही किए थे। अब लारा की हत्या करने के बाद एड्रियन जैसे ही कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहां उनकी आवाज सुनकर कुछ लोग आ जाते हैं। एड्रियन खिड़की से बाहर निकलना चाहता था पर होटल में खिड़की पहले से लॉक रखी हुई थी, अब वो फंस गया था, तो वो एक प्लान बनाता है। एड्रियन सारे पैसे लारा की डेड बॉडी के पास फैला देता है और खुद मिरर से अपना सिर टकराता है और वह शीशा आखिर टूट जाता है। यह सुनकर पुलिस भी वहां आ जाती है। एड्रियन वर्जीनिया से पूछता है कि अगर लारा ने डेनियल की मौत की खबर उसके मॉम डैड को बताई थी तो उन्होंने क्यों एड्रियन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली। तब वर्जीनिया कहते हैं कि डेनियल की डेड बॉडी कहाँ है यह सिर्फ तुम जानते थे और तुम पुलिस को कभी सच्चाई नहीं बताते। डेनियल की लाश के बगैर कोई क्राइम साबित नहीं हो सकता था और तुम शायद डेनियल के मॉम डैड को लारा के मर्डर केस में फंसा सकते थे। वर्जीनिया एड्रियन को खिड़की के पास लेकर आती है और उसे सामने की बिल्डिंग में खिड़की के पास खड़े शख्स को दिखाती है। वो कहते हैं कि सामने खिड़की में खड़ा आदमी थॉमस है जो कब से तुम्हें फॉलो कर रहा है और अपने बेटे के मदर का बदला वह तुमसे लेना चाहता था। थॉमस ने परछाई की तरह तुम्हारा पीछा किया, उसने तुम्हारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया और वहां से वह एड्रियन पर नजर रख रहा था। वो समझ गया था कि फिलिप्स तुम्हारी हेल्प कर रहा है जिससे तुम इससे निकल सको। एड्रियन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वर्जीनिया को थॉमस की इतनी डिटेल कहां से मिली।
तब वर्जीनिया उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। ऐसा कहकर वो 10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए कहती है। तब एड्रियन वर्जीनिया को थैंक यू कहता है। अब वर्जीनिया एड्रियन के घर से बाहर आ गई थी। अब एड्रियन फिलिप्स से कॉल करता है। तब फिलिप्स कहता है कि वह ड्राइवर जिसने तुम्हें और लारा को एक्सीडेंट के पास देखा था, उसे मैंने पैसे दे दिए, वह गवाही नहीं देगा, तुम आजाद हो और अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। अब वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। तब एड्रियन कॉल काट देता है। वो देखता है कि उसके पॉकेट में रखी बॉल पेन से इंक लीक हो रही थी। एड्रियन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। वही वर्जीनिया भी अब तक वापस नहीं आई थी। वह बॉल पेन ओपन करता है तो उसमें एक माइक्रो माइक थी जिससे अब तक उसके और वर्जीनिया के बीच जो कुछ भी बातें हुई थी वह रिकॉर्ड हो रही थी। अब एड्रियन को याद आता है कि उसे वह बॉल पेन वर्जीनिया ने ही दी थी और उसी बॉल पेन से एड्रियन ने डेनियल की डेड बॉडी वाली लोकेशन मैप पर मार्क की थी। अब वर्जीनिया को दिखाया गया जो थॉमस के घर पर आती है। वो दोनों गले मिलते है। आखिर वर्जीनिया और थॉमस का क्या रिलेशन था और उसने एड्रियन से सच जानने के लिए थॉमस की हेल्प क्यों की। अब थॉमस एक रिकॉर्डर को ऑफ करता है जिसमें वर्जीनिया और एड्रियन की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। एड्रियन सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की की ओर देखता है तो वह थॉमस के साथ वर्जीनिया भी खड़ी थी। आखिर वर्जीनिया आंखों पर लगाए लेंस निकालती है और अपने चेहरे पर किया हुआ सारा मेकअप निकालती है। आखिर में वो वीक भी निकालती है। यह सब एड्रियन देख रहा था। वो समझ गया था कि वो अब फंस गया है। आखिर दिखाया गया है कि वर्जीनिया के गेटअप में वह एड्रियन से सच्चाई जानने और उसके खिलाफ प्रूफ लेने के लिए डेनियल की मॉम अलविरा ही आई थी। थॉमस और अलविरा अपने बेटे डेनियल के कातिल एड्रियन को देख रहे थे। अब एड्रियन के घर पर कोई डोलबेल बजा रहा था। एड्रियन दरवाजा खोलता है तो सामने एक बूढ़ी औरत थी। वो कहती है कि उसका नाम वर्जीनिया है। यह सुनकर एड्रियन की सारी हवा निकल जाती है। उसकी गेम ओवर हो गई थी। वही थॉमस ने पुलिस को कॉल करके एड्रियन की सारी सच्चाई बता दी थी और बस यही पर द इनविजिबल गेस्ट मूवी खत्म हो जाती है। बस यही पर द इनविजिबल गेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन से तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।